हलचल टीवी न्यूज। फिल्म सनम रे रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। ऐसे में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई मुंबई के होटल में, जहां फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, निर्देशक दिव्या खोसला कुमार और लीड पेयर पुलकित सम्राट, यामी गौतम और उर्वशी रोटेला नजर आए। इन सभी कलाकारों ने किया बात और फिल्म की सफलता पर खुशी जाहिर की और काफी खुश नजर आ रहे थे। कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने हमें रुला दिया, वी वर क्राइंग एट द एंड, वी हैड टीयर्स इन आईज। सो यू नो, जब आप दर्शकों के हार्ट को छू पाते हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट। एंड एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया कि पिक्चर में यामी का नाम श्रुति है, तो किसी ने इनफैक्ट ये लिख दिया कि मैं अपनी फ्रेंड श्रुति से बिछड़ा था बचपन में और ऐसे लगता है कि आपने मेरी लाइफ पे वो ये कहानी बना दी है। सो आई थिंक दैट वॉज रियली समथिंग फॉर मी। प्यार हमेशा, जैसे आपने इस फिल्म में भी दिखाया कि वो अधूरा रह गया और चीज़ों को, क्या उम्मीद करें कि सनम रे की कहानी आगे और बढ़ेगी? अभी तो मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रही कि आगे मैं क्या बनाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वांट अ लिटिल ब्रेक। मैंने दो बैक टू बैक फिल्म्स बनाई, यारियां एंड सनम रे, सो आई थिंक मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ एंड आई जस्ट नीड सम पर्सनल टाइम। इसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी, बट यू नो, कुछ भी हो जाए, एंड में प्यार पूरा ज़रूर होता है, वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आपने बैक टू बैक दो लव स्टोरीज बनाई है, तो हम आगे क्या ये सोच के चले कि आप लव स्टोरीज ही बनाएंगे या फिर अलग जॉनर? आई फील यारियां एक कॉलेज एडवेंचर फिल्म थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी सनम रे से। सो आगे भी आई थिंक एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहूँगी विद समथिंग विच आई हैव नॉट ट्राइड बिफोर, बट लेट्स सी, यू नो, समथिंग जो भी कुछ मुझे एक्साइट करेगा, आई गो फॉर इट। ही इज़ टेलिंग मी टू मेक यारियां टू, सो आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ। भूषण जी, आपसे कहना चाहेंगे कि नॉट एज एन हस्बैंड बट एज अ प्रोड्यूसर, आपको कैसा फील होता है इतने होना डायरेक्टर के बगल में खड़े होने? बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो गई है। मींस जिस बजट पे हमने ये फिल्म बनाई थी, नॉर्मली बजट फेल होते हैं और फिल्म फेल बहुत कम होती है अगर आपने इतनी शिद्दत से बनाई हो जिस तरीके से दिव्या ने बनाई है। और हमने बहुत ही राइटली बजट करके फिल्म बनाई थी 12.5 करोड़ में और प्लस PNA के साथ 20.5 में। एंड जिस तरीके से हमें रिएक्शन मिला है, हमारी उम्मीद और हमारी सोच बहुत बड़ी नहीं थी कि हमें कुछ 100 करोड़ करना, क्योंकि जिस साइज़ की फिल्म बनाई थी उसी साइज़ से हमें दर्शकों ने पिक्चर को बहुत सराहा है। और वीकेंड में ही मतलब हमारी पूरा कॉस्ट और पूरी रिकवरी निकल आई थी, तो इट्स अ साइन ऑफ हिट फिल्म। मतलब कि आप एक हिट फिल्म पे अगर बैठे हैं और वीकेंड में ही हो जाए, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर को मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा आगे की फिल्मों के लिए। आप दोनों के लिए एक बात कही जाती है कि बीइंग अ सच अ बिग ब्रांड, यू कुड हैव मेड द फिल्म विद द बिग स्टार्स एंड सच, बट आपका, दिव्या जी, हमेशा देखा था नए कलाकारों को चांस देती हैं, तो इसके पीछे कुछ खास? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो, फॉर मी एज अ डायरेक्टर, ये है मेरी कहानी और स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं। मुझे जेन्युइनली लगा था कि कैरेक्टर में पुलकित बहुत अच्छा लगेगा और बहुत तारीफ भी हो रही है पुलकित की फिल्म देखने के बाद, बहुत पसंद किया जा रहा है जिस वजह से उसको प्रेजेंट किया गया। सो आई थिंक मैं हमेशा स्टोरी पर बिलीव रखती हूँ और कास्टिंग हमेशा मेरे लिए सेकेंडरी आती है। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।